नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। रक्षाबंधन पर बसों में फ्री यात्रा, दिखी महिलाओं की भीड़, बसों के रूट बदले गए। बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। रक्षाबंधन को लेकर महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चों के साथ मुफ्त यात्रा कर रही हैं। रक्षाबंधन पर्व को लेकर महिलाओं की बसों में भीड़ बढ़ रही है। शनिवार दोपहर 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चों के साथ बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं। यह देखने के लिए भारत मीडिया टीम ए समद के साथ शब्बीर अहमद बेल्थरा रोड रोडवेज स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर ARM आरवी विश्वकर्मा मिले, जिनसे ज़रूरी जानकारी ली गई। उन्होंने बस में जाकर भारत मीडिया की टीम के साथ यात्रियों से पूछा, खासकर महिलाओं से यह जानकारी ली कि क्या उन्हें कोई टिकट लेना पड़ा है। महिलाओं का साफ तौर से कहना था कि कल से अभी तक कोई भी टिकट यात्रा वक्त में नहीं लेना पड़ा है। कुछ महिलाओं को इस बारे में जानकारी नहीं थी, जिन्हें यह बताया गया कि उनका टिकट नहीं लगेगा आज रात्रि 12 बजे तक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज बस यात्रा महिलाओं के लिए निशुल्क की गई, जहां बेल्थरा रोड बस स्टेशन पर महिलाएं बहनों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बस में किसी भी तरह का कोई किराया नहीं लग रहा है। बेल्थरा रोड रोडवेज इंचार्ज राकेश त्रिपाठी ने बताया कि जिस रूट पर अधिक भीड़ है, कम भीड़ वाले दूसरे रूट की बसों को भेजा जा रहा है, जिससे किसी भी तरह के यात्रियों को परेशानी ना हो। भारत मीडिया को ARM ने बेल्थरा रोड रोडवेज डिपो को प्रदेश में तीसरा स्थान बताया। ठीक है ना? अरे नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना, कोई पैसेंजर अधिकारी है, इसलिए जो है 1 रुपया आप लोगों को टिकट में नहीं है महिलाओं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं इस समय खड़ा हूँ बेल्थरा रोड के रेडवे स्टॉप पे और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अधिकारी जो है ARM साहब, और उनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे। जो चूँकि आज रक्षाबंधन है और लोग जो है रक्षाबंधन की खुशियाँ मना रहे हैं, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रही हैं, और रोडवेज में यह व्यवस्था सरकार की तरफ से है कि महिलाओं के लिए आज फ्री सेवा रहेगी। इसी पर जो है आगे चलते हैं, बात करते हैं, हमारे साथ ARM साहब मौजूद हैं। सर, जो है सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं आरवी विश्वकर्मा, ARM बेल्थरा रोड डिपो। जी, जैसा कि आज रक्षाबंधन है, सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था है आपके? सरकार की तरफ से 21 और 22 को महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का घोषणा की गई है, जिसके तहत हम लोग जो है मुस्तैद हैं और महिलाओं को पूरी सुरक्षा के साथ उनको यात्रा मुहैया करा रहे हैं। जी सर, सभी रूटों की सभी बसों में ये सुविधा है? हाँ, ये सुविधा सभी बसों में है। वैसे आज लोकल भीड़ के कारण अधिकतर बसों को लोकल लगा दिया गया है, जिससे यात्रियों को भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, तो महिलाओं से 1 रुपया टिकट भी नहीं दिया जाएगा? हाँ, महिलाओं को कोई टिकट नहीं दिया जा रहा, शून्य पर जो है सब यात्रा कराई जा रही है। जैसा कि आप जो है यहाँ पे बेल्थरा रोड डिपो में आए हैं, तो निरीक्षण भी किया होगा, कुछ खामियाँ भी दिखाई दे रही हैं? हाँ, वैसे बेल्थरा रोड डिपो मेरी कड़ी मेहनत के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो बातें बताई, लेकिन कहीं कहीं पानी वानी लगा है, उसके लिए निकास के लिए आप क्या करेंगे? ये 17 दिन हैंडओवर नहीं हुआ है, और इसमें नाली वगैरह जहाँ थोड़ा गड़बड़ है उसको ठीक कराया जा रहा है, और ये सुविधा जो है ठीक करा दी जाएगी, ठेकेदार को बुला लिया गया है और बाहर जाएंगे। और बेल्थरा के बस डिपो के विकास के बारे में क्या जो योजना है यहाँ पर आपकी? अब डिपो का विकास तो ऐसे ठीक है, और यहाँ के जो चेयरमैन से यहाँ लैट्रिन बनवाने का जो सुलभ शौचालय की मांग की गई है, जिसको उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाएगा। और लंबी दूरी की बसों के लिए क्या व्यवस्था है? लंबी दूरी की बसों जा रही हैं, अच्छी इनकम ला रही हैं, और हमारे यहाँ का जो है प्रतिफल भी अच्छा चल रहा है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत मीडिया से बात करने के लिए। जी, जैसा कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज रोडवेज पे काफ़ी भीड़ भी दिख रही है, तो क्या सुविधाएं आपने दी हैं? हमने बसों को डाइवर्ट किया है, खराब रूट पर ज़्यादा भीड़ थी, बढ़िया रूट पर ज़्यादा भीड़ थी,
और ड्राइवर करके सब कुछ। एक्स्ट्रा बसें भी चलाई हैं? नहीं, एक्स्ट्रा ठीक चलाई है, एक्स्ट्रा बसें ना, एक्स्ट्रा ठीक चलाई। अच्छा, जैसे काम को जाने वाली बस को हमने रसड़ा भेजा, रसड़ा से मनाया फिर उसको काम जी। मतलब आप सुविधा को देखते हुए, तो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उसको डाइवर्जन कर जी। जी ठीक है।